राजधानी की नरेला विधानसभा में स्थित अन्ना नगर में कांग्रेस द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बैनर तले एक कार्यकर्ता सम्मेलन बूथ कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित की गई, जहां कांग्रेस नेता और कार्यवाहक अध्यक्ष शहर कांग्रेस कमेटी मोहम्मद आसिफ जकी, प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह चौहान, आदिल सिद्दीकी, बूथ लेवल कार्यकर्ताओं की बैठक को संबोधित किया। सभी वार्डों के कार्यकर्ता और सीनियर नेताओं को एकत्रित किया गया। वहीं आसिफ जकी ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि इलाके में जानबूझकर कार्यकर्ताओं को परेशान किया जा रहा है, उनके घरों की लाइट व नल के कनेक्शन काटे जा रहे हैं, जिसको लेकर सम्मेलन आयोजित कर बूथ स्तर पर रणनीति तैयार की। भोपाल से ताहिर खान की रिपोर्ट। शासन के अंदर क्या क्या हो रहा है, डिटेल में आपको सबको जानकारी दे दीजिए, उसमें मैं जाना नहीं चाहता हूँ। मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ कि एक और शिवराज की छोटी सरकार है और एक और कमलनाथ जी की सरकार है। आप दोनों की तुलना कर लीजिए, महंगाई बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, पेट्रोल डीजल सब चीज के क्या हालत है, लेकिन उस पर चर्चा करने के लिए शिवराज तैयार नहीं है। आज एक इच्छा हो रही थी कि हमें वार्ड 69 जो कि हमारा गढ़ था, उससे भारतीय जनता पार्टी कैसे जीत गई। जिस जीत से चुनाव का रिजल्ट आया, उस दिन से मेरे दिल में सुखुघाट हो रही थी और मैं ये सोच रहा था कि यहाँ के कार्यकर्ताओं के साथ हम लोगों को भेज कर उनको जो है दोबारा बात करनी है। मैंने महेंद्र भाई से बात करी, महेंद्र भाई से मैंने चर्चा करी और मैंने कहा कि इस बार नरेला विधानसभा में कांग्रेस का झंडा किसी भी हालत में फहराना है कि टिकट किसको मिलेगा। टिकट कमलनाथ जी को देना है, टिकट हमारे हाथ में भी नहीं, आसिफ जकी के हाथ में भी नहीं है, लेकिन हमारा प्रेम आपके साथ, आपकी मोहब्बत हमारे साथ, ये हमारे एक दूसरे के साथ है और इसमें कहीं कोई कमी नहीं होना चाहिए। ये अन्ना नगर और ये 59 वार्ड बीएचएल की सीमा में आता है। यहाँ की दिक्कतें और परेशानियां भोपाल के जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन से बिल्कुल बाहर है। हमने बहुत यहाँ की बिजली की समस्या के लिए, मीटर की समस्या के लिए लंबे समय पहले बहुत संघर्ष किया है। बीएचएल के एडी से भी मिले लेकिन उसका कारगर तरीका नहीं निकल पाया। बहन किरण सुराने जी, फकीरा कचके जी चले गए हैं, कहाँ है? अच्छा अच्छा, आदरणीय फकीरा कचके जी, आदरणीय साथियों, सबसे पहले तो बहन शाहजहां जी ने जो कहा है मैं उनकी बात से इत्तेफाक करता हूं। उनकी बात से गुस्सा, आपकी नाराजगी वाजिब है, जायज है। आपने कहा कि कुछ तो मजबूरियां रही होगी, यूं कोई बेवफा नहीं होता, तो ये आपकी तरफ से तो है ही है, हमारी तरफ से तो बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर हमें इस बात का एहसास हो जाए कि त्रुटि कहाँ है, गलती कहाँ है, भूल कहाँ है, तो उसको सुधारने के अवसर हमारे पास होते हैं। एक बहुत बड़ी चीज होती है हौसला, और हौसला बाजार में नहीं मिलता, हौसला अपनों से मिलता है। तो उस रास्ता को दुरुस्त करने का भी रास्ता अपनों से मिलता है, दोस्तों से मिलता है। तो मैं समझता हूँ कि नरेला विधानसभा हमेशा से कांग्रेस विचारधारा की विधानसभा रही है। हम आपसी गुटबाजी, आपसी रंजिश, अपने स्वार्थ और मन मुटाव और मतभेद की वजह से एकजुट नहीं हो पाते। लोगों ने देखिए, कार्यकर्ता सम्मेलन रखा इसलिए गया था क्योंकि कार्यकर्ता इस समय बहुत ही जो है भारतीय जनता पार्टी के नीति से परेशान है और जानबूझ के यहाँ पर लोगों को सताया जा रहा है, यहाँ की लाइट काट दी जा रही है, यहाँ पानी नहीं दिया जा रहा है और कार्यकर्ताओं में बहुत रोष है। हम लोग ने ये शुरुआत करी है कि इस कार्यक्रम से हमने बूथ वाइज जो है पूरे वार्ड नंबर 59 अन्ना नगर के अंदर जो हमारा जो वार्ड है 59, इसके कार्यकर्ताओं का सम्मेलन था। इस सम्मेलन के अंदर हमारे सभी लोग को बुलाया था कार्यकर्ताओं के अंदर जो हमारे 59 नंबर में जो है टिकट वितरण में
जो है लोग असंतोष था उस असंतोष को समाप्त कराना है। उस असंतोष को समाप्त कराने के लिए हमने सबको बुलाया है, चाहे वो कांग्रेस में थे, चाहे कांग्रेस के पुराने सीनियर लोग थे, चाहे अभी नए युवा लोग थे। हमारा केवल एक उद्देश्य है कि हम महंगाई, भ्रष्टाचार और भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियाँ हैं इनके विरोध में हमारे जो कांग्रेस के जन प्रताड़ित हैं उनको हम मदद करें, उनके कंधे से कंधे मिला के हाथ से हाथ जोड़ के कार्यक्रम जो कांग्रेस ने रखा है उसके बारे में बताएं, वो घर घर जाकर उनकी समस्या सुने और बूथों पर मजबूत हमारे कार्यकर्ताओं का गठन करें। और जो गठन हुआ है उन कार्यकर्ताओं को हमने ये आश्वस्त किया है कि आप अपनी पूरी ताकत से अपने वार्ड के अंदर जाइए और आश्वस्त कीजिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है जा चुकी है, बिल्कुल अंतिम छोर पे है, हमें जो है किसी लालच में नहीं आना है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।